महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रह चुके उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ, और आज ये 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की परेशानियों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं यहां पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि एक एक करके बार बार शिंदे गुट में कहीं ना कहीं शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं उद्धव गुट के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद और विधायक। ऐसे में देखा जाए तो साल 2024 में ना सिर्फ लोकसभा चुनाव है बल्कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना बाकी है। इसी बीच देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति में, अमित शाह अलग अलग रणनीतियां भी अब बनाते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही में प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल और भी तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तस्वीरों को साझा किया है और यहां पर अहम जानकारी भी दे दी है, क्योंकि देखा जाए तो अब उन्होंने अहम मुद्दों पर उनसे चर्चा भी की है। दरअसल आपको बता दें कि अब प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था और उन्होंने उसे साझा भी किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में बैठक के वास्ते समय निकालने के लिए अमित शाह को उन्होंने धन्यवाद कहा है। और यहाँ पर राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि अमित शाह ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने का वादा किया है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कल महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने वादा किया और वह उठाए हुए मुद्दों पर गौर करने वाले हैं। तो फिलहाल देखा जाए प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना के यूबीटी से हैं, और ऐसे में यहां पर अमित शाह के साथ मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है उससे यहां पर सियासी गलियारों में ये हलचल भी तेज हो चुकी है। क्या उनका रुख बीजेपी की तरफ हो सकता है आने वाले वक्त में? खैर फिलहाल देखा जाए यहां पर अटकलों पर विराम भी उन्होंने लगा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर अमित शाह का क्या कुछ आखिरी फैसला होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।